The area of the east wall of an auditorium is 108 square meter. ऑडिटोरियम क्या होता है, जो बड़े हॉल्स होते हैं, जैसे असेंबली हॉल्स हो गया, जहाँ प्लेज होते हैं, इवन मूवीज होती हैं. तो उस ऑडिटोरियम का जो ईस्ट वॉल है, तो अगर हम कोई भी डायरेक्शन का कन्वीनियंस ले सकते हैं, जैसे ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ हो गया, तो वो बोलता है कि जो इधर की ईस्ट साइड की वॉल है वो 108 स्क्वायर मीटर की है. द एरिया ऑफ द नॉर्थ वॉल इज 135 स्क्वायर मीटर, जो नॉर्थ की ओर है, एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 180 स्क्वायर मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ऑडिटोरियम. अब इन क्वेश्चंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हाफ स्ट्रगल होती है क्वेश्चन को सही से समझना. अगर आपने क्वेश्चन को सही नहीं समझा तो आप कुछ भी करो वो गलत होने वाला है. तो इसीलिए हम इसको पहले समझते हैं कि ये पूरा कैसे, क्या मतलब है इसका, ये कैसे दिखेगा. आपको विजुअलाइज करना भी आना चाहिए इसको. और दूसरी चीज, यूनिट्स का ध्यान रखो. यहां सम स्क्वायर मीटर है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, अदरवाइज जस्ट बी वेरी केयरफुल. अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्वेश्चन में, आपको बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा. तो हम इसको एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं. तो हमारा जो ईस्ट वॉल है वो 108 स्क्वायर मीटर की है. लेट सपोज ये हमारी एक ईस्ट वॉल है, ये है 108 की. फिर हमारी नॉर्थ वॉल जो है वो 135 की है. तो ये हमारी लेट से नॉर्थ वॉल हो गई 135 की, ठीक है. और जो हमारा फ्लोर हो गया, वो हमारा फ्लोर इधर नीचे की तरफ हो जाएगा, और वो फ्लोर ये बोल रहा है कि 180 स्क्वायर मीटर का है. समझ में आया? तो आप इसको एक कार्डबोर्ड की तरह सोचो. जैसे ये एक कार्डबोर्ड हो गया, इसके अगर ये मैं थोड़ा अलग एंगल से कर रहा हूं, तो इसका कार्डबोर्ड का एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, और ये जो नीचे का कार्डबोर्ड का हिस्सा हो गया. तो आप किसी भी उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा. आप इसको एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह भी सोच सकते हो. ये जो है आपका, यहां पे आपके तीन एक्सिस आ जाते हैं. तो ये चीज आपको लेकिन विजुअलाइज करनी आनी चाहिए. और ये सोचो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो दिमाग में पिक्चर बनाओ कि ऑडिटोरियम है. आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप जिस रूम में खड़े हो, अब आप इस रूम में खड़े हो तो आपकी एक साइड की वॉल, आपके पीछे की वॉल, जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरी नॉर्थ की वॉल है, करेक्ट, तो मेरी ये ईस्ट की वॉल हो जाएगी, और वो एक ऐसी वॉल है, और मेरा फ्लोर हो गया. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज बहुत क्लियरली होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है. तो अब हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, करेक्ट, और ये हमारी हाइट है. तो अब हमारी तीन इक्वेशंस बन गई. अगर आप देखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ जो कि फ्लोर का है वो हो गया 180, ब्रेथ इनटू हाइट जो कि हो गया 108, एंड लेंथ इनटू हाइट जो कि हो गया 135. ओके, अब हमारे तीन इक्वेशन बन गए, सॉल्व करना है. अब एक तरीका क्या है, आप इसको जो है अगर एक दूसरे को इसमें डालोगे तो आपकी एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी, तो वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते. और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाइट. तो सब कुछ निकालने मत जाओ. ओके, अब हाइट देखो, इधर दो पे है और ये एल इंटू बी का रिलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से किसी का भी एक रिलेशन ले लो. हम लेट कह सकते हैं कि 180 अपॉन बी, इधर से रिलेशन हो गया, और ये डाल दो इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 180 अपॉन बी इंटू एच इज इक्वल टू 135. तो देखो अब हमारी एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, बी दोनों में बी और एच है. अब इसको आप एक बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, b इंटू एच अपॉन 180 अपॉन b इंटू एच इज इक्वल टू 108 इंटू 135. बी बी कैंसिल हो गया, h स्क्वायर कितना हो जाएगा, करेक्ट, और h कितना हो जाएगा इसका रूट. Now I leave it to you to solve it. इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो. The right answer will get the heart. तो आपने देखा इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्वेश्चन को सही फ्रेम किया. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई स्टॉप हियर. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.